देखिए आज मैं बनाने जा रहा हूँ हरे चने का पोहा। बनाने कैसे बनता है, सबसे पहले हम कढ़ाई को गैस पर रख दिए हैं और ऑयल डाल दिए हैं। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम जीरा डाल देंगे। अब जीरा हमारा थोड़ा भून जाए तो इसमें हम प्याज अदरक मिर्च सब एक ही में काट लिए हैं, इसे हम भूनेंगे। इसे भी 2-4 मिनट भून लेंगे। इधर देखिए हम हरे चने को भी छील कर साफ कर लिए हैं धोकर। जब मेरा प्याज भून जाएगा थोड़ा तब इसमें ऐड कर देंगे। इसी तरह हम प्याज को चलाते हुए भून लेंगे। इसका पोहा इतना टेस्टी लगता है, आप एक बार बनाकर ज़रूर खाइए। हरे चने का पोहा कैसा लगता है। इधर देखिए हमारी प्याज भून गई है, अब इसमें हम हरा चना डाल देंगे। इसे ही फ्राई करेंगे हम। अब बहुत झटपट बनकर तैयार भी हो जाता है बिना कोई झंझट के, कोई इसमें तामझाम नहीं है। इधर हम पोहा ले रहे हैं, ये घर का मेरा पोहा है। देखिए हमारा 2 मिनट मटर को भून लिया है, इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी को भी हम थोड़ा भून लेंगे। देखिए हमारा हरा चना भून गया है, अब इसमें हम पोहे को ऐड करेंगे। इसे भी हम चला देंगे। देखिए ये देखने में ही कितना अच्छा दिख रहा है, खाने का में तो कोई बात ही नहीं। इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अगर इसे खट्टा थोड़ा बनाना चाहते हैं या नींबू का रस डाल दीजिए या अमचूर पाउडर है तो डाल दीजिए आप। देखिए मेरा पोहा बनकर तैयार हो गया है। इसे थोड़ा कुरकुरा होने तक हम फ्राई किए हैं। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइए। इसे हम एक बाउल में निकाल देते हैं। मटर के तो बहुत पोहे खाए होंगे आप, एक बार हरे चने का भी पोहा ज़रूर खाइए। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।